हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इन विच वी फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द दैट इज एनवायरमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, कि हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल और डिसाइड द सेक्स. ठीक है, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन. द फर्स्ट इज द बोनेलिया, इन विच इफ लार्वा सेटल डाउन फ्री विदाउट एनी ऑर्गेज्म दैट विल प्रोड्यूस द मेल. इफ लार्वा सेटल नियर टू द फीमेल दैट देन इट विल प्रोड्यूस द मेल. ठीक है, सेकेंड वन इज द प्रीपिडुला, सेम कंडीशन. इन फीमेल कंपनी लार्वा विल प्रोड्यूस द मेल लेफ्ट अलोन, देन लार्वा विल प्रोड्यूस द फीमेल. ठीक है, थर्ड वन इज द क्रोकोडाइल, फोर्थ वन इज द टर्टल एंड द लास्ट वन इज द मेडूस. ठीक है, तो ये इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फैक्टर फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन. ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्रोमोसोमल फैक्टर है वो किस किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करते हैं. तो यहाँ पर हम सेकेंड फैक्टर की बात करेंगे. पहले एनवायरमेंटल हो चुका था, तो सेकेंड वन इज द क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, जिसके केस में क्रोमोसोम क्या करेगा, सेक्स का डिटरमाइन करेगा कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा. तो ये कैसे हो जाएगा, जिसमें द जेनेटिक डिटर्मिनेशन, जो एनवायरमेंटल था वो था नॉन जेनेटिक था, क्योंकि वहां पर जीन इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे. बट ये कैसे हुआ, इट इज जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. ठीक है, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबिलिटी को बोल दिया, दैट इज जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. इसमें अलग अलग हम कंडीशन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन बीइंग में करवा देता हूँ, उसके बाद फिर डिफरेंट कंडीशन पे हम आते हैं. तो हैव डिफरेंट कंडीशन, हैव डिफरेंट टाइप्स बोल दो या फिर कंडीशन बोल दो फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन. पहली जो मैं आपको, मैंने कल भी बताया था कि जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी है दैट इज गिवन बाय द विल्सन एंड द सिमंस, दो नाम थे वो हम कल देख चुके थे, विल्सन एंड स्टीवंस ने ये थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी दी थी. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है. इसमें जो पहला टाइप हम पढ़ेंगे दैट इज एक्स 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 वाई टाइप, और आल्सो नोन एज द लाइजियस टाइप सेक्स डिटरमिनेशन. लाइजियस क्या, एक इंसेक्ट है हम, इसकी एक फैमिली डी दैट इज द लाइगेडी फैमिली से ये रिलेट करता है, और जो लाइगियस जो है जिसमें द ब्लैक एंड रेड कलर इंसेक्ट. अब बारिश के दिनों में देखते हो कि रेड और ब्लैक कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट निकलते हैं, जिनके एंटीना होते हैं, पंख भी रहते हैं, और ये फील्ड के आसपास में या फिर जो हम पे फ्लोर होते हैं वहां पर आपको काफी ज्यादा नंबर में ये उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वही आपके लाइजेस इंसेक्ट है ना. दीज आर द इंसेक्ट. कौन सी फैमिली से रिलेट करेंगे, इनकी जो फैमिली दैट इज द लाइगेडी फैमिली. लाइगेडी फैमिली से ये रिलेट करते हैं. तो जो पहला केस देखा गया था वो विल्सन और स्टीवन ने इसी के अंदर देखा गया था. ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्व, फर्स्टली ऑब्जर्व इन दिस इंसेक्ट, इस इंसेक्ट के अंदर पहली बार ये एक्स और वाई क्रोमोसोम देखे गए. ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम में क्या कंडीशन होगी वो आपको मैं बता देता हूं, कि देखो जो मेल होगा, जो मेल है उसमें होगी एक्स और वाई कंडीशन. ठीक है,
और जो फीमेल रहती है उसमें रहेगी एक्स और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल हमेशा इसके केस में कैसे होगी, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन होगी। कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, इसके एग्जांपल में लिख दूं, पहले वाले कंडीशन के अगर मैं एग्जांपल लिख दूं, कि जिसके केस में मेल कैसा है एक्स वाई और फीमेल कैसी है एक्स एक्स। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात कर दूं, इसमें कौन कौन से एग्जांपल इंक्लूड होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आपके ड्रोसोफिला इंसेक्ट आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएंगे और मेलेनियम आ जाए, तो उसके अंदर ये कंडीशन मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन रहेगी, दैट इज जिसके केस में जो मेल है, ये मेल का साइन है, मेल कैसे होगा वहां पर एक्स ओ, है ना, कैसे होगा एक्स ओ कंडीशन का होगा। ओ का मतलब ये जीरो है ना, ये एब्सेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा, दैट इज एक्स जीरो, या फिर कुछ लोग इसको ओ भी बोलते हैं, बट एक्चुअली में ये है क्या, जीरो। तो यहाँ पर एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरा क्या होगा अब्सेंट होगा, और जबकि जो फीमेल है, फीमेल फीमेल है होता एक्स और एक्स कंडीशन ही होगा। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात कर दें, इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा ग्रास ऊपर और एक है आपका डिस्क हो रही है, डिस्क हो रही है, ये एग्जांपल। इसमें इसके केस में देखो फीमेल कैसी है, एक्स और एक्स है, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन, होमोगेमेटिक कंडीशन की है, और यहां पर देखो एक्स वाई एक्स जीरो, और ये मेल है वो कैसे, दैट इज हेट्रोगेमेटिक नेचर का है, जिसमें अलग अलग गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फीमेल है, यहां पे मैं लिख देता हूं फीमेल इज होमोगेमेटिक, होमोगेमेटिक नेचर क्या है, होमोगेमेटिक का मतलब सिर्फ एक टाइप के क्या करेगी, गेमेट प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप गेमेट, सिर्फ एक ही टाइप गेमेट की फॉर्मेशन होगी। और यहां पर अगर आप देखोगे कि जो मेल है वो कैसा है, हेट्रोगेमेटिक नेचर का, एक्स वाई और एक्स जीरो, इससे जो स्पर्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अलग अलग कंडीशन के भी बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो मेल है, बट मेल इज हेट्रोगेमेटिक, मीन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, दो अलग अलग तरह के गैमेट की फॉर्मेशन करेगा, एक स्पर्म में, एक गैमेट में क्या जाएगा एक्स, एक में क्या जाएगा वाई, इसी तरीके से एक स्पर्म में क्या जाएगा एक्स, और एक के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अगर हम मेल की बात करें, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग जो गैमेट होगा दैट इज नोन एज द गाइनोस्पर्म, जो वाई कंटेनिंग जो स्पर्म होगा दैट इज नोन एज द एंडोस्पर्म, इसको हम बोल देंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर टू टाइप ऑफ गैमेट में कौन कौन सी है, पहली कंडीशन है दैट इज गाइनो स्पर्म कंडीशन, गाइनेकोलॉजी स्टडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनेकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर जो फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम को डील करे, तो उसको आप गाइनेकोलॉजिस्ट बोलते हो। इसी तरीके से एंडोलॉजी और एंडोलॉजिस्ट, है ना, जो मेल के बारे में डील करेगा, तो यहाँ पर गाइनेकोस्पर्म, स्पर्म तो उसमें कौन सा फीचर होगा, फीमेल के लिए होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इन मेल एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म व्हेन स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज गाइनोस्पर्म। ठीक है, इसी तरीके से बेटा दूसरी टर्म आ जाएगी, दैट इज एंड्रोस्पर्म, सेकेंड वन इज द एंड्रोस्पर्म, जो एंड्रो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, मेल के लिए,
और मेल के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमेट बोल दो या चाहे आप स्पर्म बोल दो, तो वो गैमेट है वो स्पर्म कहलाएगा, आपका एंडोस्पर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन होगी वो भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम ह्यूमन में देख लेते हैं कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, लड़का या फिर लड़की कैसे होती है, वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। और बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक जरूरी है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन ब्रेन, है ना, तो ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर इसके डिफरेंट टाइप्स को हम डील करेंगे। ये तो वो कंडीशन है जिसके केस में फीमेल कैसी है होमोगैमेटिक नेचर को, अगर मेल कैसा होगा हेटरोगैमेटिक नेचर को। ठीक है, तो हम पहले इसी एक कंडीशन को ही लेके चलते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन ह्यूमन में कैसे हो। ठीक है, एक बार मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि जो ह्यूमन है उसके केस में एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। ठीक है, यानी कि दो तरीके के सेक्स प्रेजेंट है जो अलग अलग बॉडी में है। ठीक है, तो दिस वन इज द यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, दिस वन इज द यूनिसेक्सुअल। तो जो ह्यूमन है वो कैसे है, यूनि सेक्सुअल नेचर के, सिंगल ऑर्गेनिज्म कंटेन सिंगल टाइप ऑफ सेक्स। ठीक है, तो वन ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेक्स, सिर्फ एक ही तरीके का सेक्स उसके अंदर प्रेजेंट हो गया, तो मेल या फिर आइदर फीमेल। जो यूनिसेक्सुअल है देयर आल्सो नोन एज द डायसिस, डायसिस नेचर का भी हम इसको बोलते हैं, जिसकी किस्म लगे। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं ह्यूमन में, दैट इज 46 क्रोमोसोम है। 46 में भी बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका ऑटोसोम जिसको कल हमने सोमेटिक क्रोमोसोम भी बोला था, और दूसरा कौन सा था, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम क्रोमोसोम भी था। तो 44 में से 44 तो कैसे होंगे, ऑटोसोम या फिर सोमेटिक होंगे, ध्यान देना। आउट ऑफ 46 44 यानी कि 22 पेयर कैसे हो गए, सोमेटिक या फिर ऑटोसोम हो गए, और जो दो बच गए यानी कि वन पेयर, वो कौन सा हो गया, सेक्स क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो एक सेल में जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे। जब मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। ह्यूमन की बात करें तो एक तरफ हम लिख देते हैं फादर और एक तरफ लिख देते हैं मदर। ठीक है, फादर के अंदर कितने क्रोमोसोम, 46, मदर में भी कितने, 46। ठीक है, अब 46 की कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कर दें 44 तो ऑटोसोमल और प्लस में एक्स और वाई कंडीशन, ऐसे हो गई। मदर में क्या कंडीशन हो गई, 44 प्लस में एक्स और एक्स, ये कंडीशन। तो टोटल कितने हो गए, 44 45 46, इधर भी 44 45 46, टोटल 46 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, कहां पर है ये, जर्म सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर या फिर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो जर्म सेल है इधर किस में मिलेगी, टेस्टिस में मिलेगी, और इधर किस में मिलेगी, ओवरी के अंदर मिलेगी, जिसको आप गोनेट्स बोलते हो, वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। अब बेटा ये दोनों सेल जो है, टेस्टिस की और ओवरी की जो जर्म सेल है, अंडरगो द मियोसिस डिवीजन, दोनों किस में जाएगी, मियोसिस डिवीजन में जाएगी। ठीक है, मियोसिस डिवीजन को आप क्या बोलते हो, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हो, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। दिस वन इज द
रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोस नंबर हाफ होंगे। अब हाफ होंगे तो मेल में जो गैमेट बनता है वो क्या बनता है, स्पर्म बनता है। दिस वन इज द स्पर्म, हिंदी में शुक्राण बोलते हैं, तो यहां पर स्पर्म बन। अभी देखिए मियोसिस होगा तो 46 में से 23 क्रोमोसोम आएंगे, 22 तो आपके ऑटोसोमल आएंगे, जो 23वां क्रोमोसोम है वो एक्स भी आ सकता है या फिर वाई भी आ सकता है। तो यानी दो तरह के स्पर्म बनते हैं, 50-50 का रेशियो रहता है। अगर हम 200 मिलियन स्पर्म की बात करें जो एक बार में इजुकुलेट होता है, तो उसमें से 50% आपके एक्स वाले रहेंगे, 50% कैसे रहेंगे, वाई वाले रहेंगे। तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन होती है। और तब के अगर हम मदर की बात करें, मियोसिस होने के बाद में जो गैमेट इधर बनेगा, दैट इज नोन एज द एग, जिसको आप अंडाणु बोलते हो, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, 44 का हाफ दैट इज 22, दोनों में से कोई भी आ जाए तो सेम ही है, दैट इज एक्स। तो यहाँ पर गैमेट कितने टाइप का बनेगा, एक, और यहाँ पर कितने टाइप के बनेंगे, दो। तो मेल में गैमेट कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए, और जबकि फीमेल में गैमेट कितना हो गया, एक टाइप का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें या फिर बाद में लिख देते, चलो फीमेल है वो सिंगल टाइप ऑफ गैमेट, सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट होता है, और जो मेल है उसमें मेल है वो टू टाइप्स ऑफ गैमेट, मेल्स के अंदर दो टाइप के गैमेट होते हैं। अभी सेक्स डिटरमाइन कौन करेगा, ये स्पर्म करेंगे इन दोनों में से कि कौन सा स्पर्म एग के साथ में फ्यूज होगा। अगर मान लो सबसे पहले ये वाला स्पर्म आके फ्यूज हो गया इस एग के साथ में, ठीक है, फ्यूजन हो गया या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहां पर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, फर्स्ट डिप्लोइड सेल दैट इज नोन एज द जायगोट, ठीक है, फर्स्ट टू एन जिसको आप डिप्लोइड भी बोलते हो, फर्स्ट डिप्लोइड सेल नोन एज जायगोट। तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ थे, तो ये सेल कैसे हो गई, एन, एन का मतलब हैप्लोइड सेल है, ठीक है, ये भी एन है तो ये भी कैसी सेल थी, प्लोइड सेल है, और तब हैप्लोइड हैप्लोइड आपस में फ्यूज कर गई तो कैसे बन जाएगी, डिप्लोइड सेल बनेगी। अब देखो ये जो जायगोट बनेगा इसमें 22 और 22 है ना, 22 इधर से 22 इधर से, तो ऑटोसोमल टोटल कितने हो गए आपके, 44 हो गए। अब सेक्स क्रोमोसोम देखो, इधर से एक्स और इधर से भी क्या आएगा, एक्स, यहां पर आ गई एक्स और एक्स क्रोमोसोम, तो 44 45 46, लेकिन दोनों में एक्स और एक्स कंडीशन है, तो दिस वन इज द बेबी गर्ल, बेबी गर्ल है ना। तो यहां पर ये लड़की पैदा होगी अगर यहां पर एक्स और एक्स कंडीशन फ्यूज हो रही है। तो दूसरी कंडीशन है कि यहां पर मान लो ये स्पर्म फ्यूज ना हो पाए, पहले ये वाला स्पर्म फ्यूज हो जाएगा। आपने थ्री डेट मूवी देखी होगी, तब नंबरिंग स्टार्ट होती है तो उसमें बोलते हैं कि पैदा होने के लिए भी कंपटीशन करना पड़ता है, लाइफ में कंपटीशन ही कंपटीशन है, तो वहां पर बहुत सारे स्पर्म चलते हुए दिखाते हैं। तो जो भी सबसे पहले फ्यूज करेगा, एक्स या फिर वाई जो भी होगा, जो सबसे पहले फ्यूज करेगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहां पर अभी क्या कंडीशन आप देख सकते हो, 22 इधर से 22 इधर से, तो 44 ऑटोसोमल, सेक्स क्रोमोसोम आप देख सकते हो एक्स और इधर से क्या जाएगा वाई, अगर एक्स और वाई कंडीशन आ गई दैट इज द बेबी बॉय, ठीक है। तो क्या कंडीशन प्रोड्यूस होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पर्म के फ्यूजन के ऊपर डिपेंड करेगा। हम ये लिख दें कि डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बींग एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज डिसाइडेड बाय टाइप ऑफ
फ्यूजन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का कौन सा टाइप उधर फ्यूज होने लग रहा है? ठीक है, एक्स फ्यूज होगा या फिर वाई स्पर्म फ्यूज होगा, तो टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म वो इसको डिसाइड करेगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजिकली हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सोशली हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो बार बार कई बार पूछे जाते बोर्ड एग्जाम में। बायोलॉजिकली एंड सोशली हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन बेबी या फिर जायगोट। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि बच्चे में सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए बायोलॉजिकली और सोशली कौन रेस्पॉन्सिबल है। देखो अब यहां से पे आते हैं तो यहां से लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, और काफी बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बायोलॉजिकली भी आपको बताना और सोशली भी बताना है। सोशली का मतलब सामाजिक रूप से बताना है कि किसको जिम्मेवार ठहराया जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। देखिए बायोलॉजिकली अभी हमने देखा है कि जो डिफरेंट टाइप के गैमेट हैं वो किस में बनने लग रहे हैं, मेल में बने हैं। भाई फीमेल में तो एक ही तरह के गैमेट बन रहे हैं, चाहे लड़की हो तो भी एक्स बनेगा, चाहे लड़का हो तो भी क्या बनेगा, एक्स बनेगा। बट यहाँ पर कौन सा स्पर्म फ्यूज करेगा वो क्या करेगा, सेक्स को डिटरमाइन करेगा। तो बायोलॉजिकली हम बोल दें फादर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। तो दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है तो गैमेट भी दो टाइप की बनेंगे एंड फ्यूजन ऑफ एक्स एंड वाई स्पर्म विल डिसाइड द सेक्स ऑफ फिटस या फिर जैक, उसको डिसाइड करेगा। तो बायोलॉजिकली कौन रेस्पॉन्सिबल हो गया, फादर रेस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी, सोशल कंडीशन की बात करनी है। ये चीज क्लियर होगी, इसके एक्सप्लेनेशन आप ऊपर देख चुके हो, यहाँ पर हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं सोशली कंडीशन के ऊपर। तो सेकंड कंडीशन है सोशल कंडीशन, देखिए सामाजिक रूप से हम हमारी सोसाइटी में। देखिए अगर लड़की पैदा होती जाती है तो समाज वाले जो लेडीज होती है, जो बहू होती है, उसको जिम्मेदार ठहराती है कि हमारी बहू तो लड़की ही लड़की पैदा करने लग रही है। ताने देती है कि वंश नहीं बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा, पता नहीं कैसी बहू है, उसको दुनिया भर के ताने दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर लड़का हो जाए तो बोलती कि हमारे बहू के पैर ऐसे है कि लड़का पैदा हो गया, भाग्यशाली है, ऐसा वैसा है। तो जो भी कंडीशन है उसके लिए मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है बच्चे का वो कौन डिसाइड करेगा, फादर ही रेस्पॉन्सिबल होगा। मदर का काम तो सिर्फ उसको पालने का है, उसकी केयर करने का, उसको नसमेंट देने का है। अब जो अंदर जो फिटस बना है वो किसने डिसाइड किया, फादर ने डिसाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे मदर प्रोड्यूस प्रोड्यूस ओनली सिंगल टाइप ऑफ गैमेट या फिर सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स, बट सोशल इफेक्शुअली मदर इज द
responsible for sex determination. ठीक है, कई बार ऐसे सुनने में आता है कि अगर लड़कियां पैदा होती जा रही है तो मदर को, लेडीज को काफी ज्यादा टॉर्चर करा जाता है, काफी ज्यादा बड़ा बुरा बोला जाता है। तो ये समाज की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करने लग रहा है, जिस फैमिली में वो है उसके ऊपर डिपेंड करने लग रहा है कि उनकी मेंटेलिटी क्या है। अदरवाइज आज के टाइम में आप देखोगे तो लड़कियां ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा एडवांस है, ज्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू द बॉयज। ठीक है, पेरेंटल केयर में देख लो, जॉब में देख लो, इंटेलिजेंस के लेवल में देख लो, तो गर्ल्स ज्यादा आ गया। ठीक है, वो सिर्फ हमने भेदभाव कर रखा है कि लड़के वहां से लाते हैं या फिर ज्यादा इनकम करते हैं, ऐसे है। लेकिन अगर आप देखोगे तो लड़कियां भी उनसे कम नहीं है, हर फील्ड में उनसे आगे है ना। आमिर खान का वो डायलॉग दंगल में जो बोलते हैं कि हमारे लड़कियां क्या लड़कों से कम है, तो बिल्कुल सही डायलॉग था कि किसी भी एंगल से कम नहीं है। आप किसी भी फील्ड में देखोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, और बात हरियाणा की रही तो हरियाणा स्टेट में सबसे कम सेक्स रेशो था, पहले शायद 700 कुछ था, स्टार्टिंग में 793 था, उसके बाद में 826 कुछ सालों तक रहा, उसके बाद में अभी जो है वो 900 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर अभी जो सेक्स रेशियो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ की जो लोकेलिटी है वो अवेयर होने लग रही है। ठीक है, वो जान रही है कि अगर लड़कियां नहीं होगी तो वंश क्या कुछ भी आगे की तरफ नहीं चलेगा, पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए गर्ल्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो मदर हो या बेटी हो या कुछ भी रिश्ते में हो वो हमेशा बेहतर है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो सोशल तरीके से फीमेल को डिटरमाइन करा जाता है, और जबकि बायोलॉजी के लिए अगर हम देखें, साइंस के हिसाब से देखें, तो फादर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हो गया सेक्स डिटरमिनेशन इन द ह्यूमन बींग किस तरीके से। अब ये पहली कंडीशन हमने देखी थी जिसके केस में देखे था कि एक्स एक्स और एक्स वाई कंडीशन थी, जिसके केस में फीमेल कैसी थी, होमोजाइगस नेचर की थी, और जो मेल था वो कैसा था, हेटो गैमेटिक नेचर का था, यानी कि अलग अलग टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन कर रहा था। बट अब ये हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं जिसके केस में उल्टी कंडीशन हो जाती है, जो फीमेल हो जाती है वो कैसे हो जाती है, आपकी हेटरोगैमेटिक नेचर की हो जाएगी, और जो मेल है वो कैसे, जो मेल है वो कैसे हो जाएगा, होमोगैमेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी दो कंडीशन पढ़ ली थी कि मेल में एक्स वाई एक्स एक्स, और यहाँ पर मेल में एक्स जीरो और फीमेल में एक्स एक्स कंडीशन, उनके एग्जाम्पल थे। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जाके हम एक टेबल बनाएंगे, कंपेरिजन टेबल, जिनमें इनको साथ साथ में डील करेंगे। अभी देखो दूसरे कंडीशन हम आते हैं, सेकंड कंडीशन, व्हेन मेल इज, जो मेल होगा वो कैसा होगा, होमोगैमेटिक नेचर का, मेल इज होमोगैमेटिक एंड फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, तो जो फीमेल है वो कैसे होगी, हेट्रोगैमेटिक नेचर की। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेन फोकस करेंगे कि जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक है, और पहले वाले में जो मेल था वो क्या था, हेट्रोगैमेटिक था। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर एक कंपेरेबल टेबल बनाएंगे कि क्या क्या होगा। ठीक है, पहली कंडीशन है तब मेल के अंदर क्या हो, जो मेल होगा उसमें कंडीशन रहेगी जेड जेड कंडीशन रहेगी, और जो फीमेल है उसमें क्या कंडीशन रहेगी, दैट इज जेड डब्ल्यू। ये जो जेड जेड और जेड डब्ल्यू है दे आर द सेक्स क्रोमोसोम, है ना, ऐसी कंडीशन है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात कर दें तो इसमें आ जाएंगे बर्ड्स, आ जाएंगे जो पक्षी हैं उनके केस में कुछ इस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। दूसरे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जिसके केस में मेल, यहाँ पर तो कैसे रहेगा, होमोगेमेटिक है जेड जेड, जो फीमेल होगी वो कैसे होगी, जेड ओ नेचर की होगी या फिर जेड जीरो नेचर की होगी। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात कर दें तो एग्जाम्पल आ जाएगा बटरफ्लाई एंड मोथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फीमेल है वो कैसी है,
हेट्रोगेमेटिक नेचर की है, तो फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक, और जो इधर मेल है मेल इज होमोगेमेटिक बिकॉज मेल हैव ओनली जेड जेड क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां से एक ही टाइप की क्या बनेंगी, सेक्स क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर और एग्जांपल ऐड करना चाहें तो यहां पर आ जाएगा आपका फिशेस और रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे। अगर हम इस वाली कंडीशन की बात करें तो इसमें आ गया था आपका ग्रास ऊपर कॉकरोच एस्केरिस, ये इसके एग्जाम्पल आ जाए। इस वाले में एक प्लांट का भी नाम आता है जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, दैट इज द फ्रैगेरिया, फ्रैगेरिया प्लांट है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इस तरीके से होता है। इसमें जो स्पर्म बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, जेड जेड कंडीशन के बनेंगे। इधर जो एग बनेंगे वो कैसे बन जाएंगे, आपके जेड या फिर डब्ल्यू टाइप के बन जाएंगे। तो स्पर्म हो गया जेड, दूसरा स्पर्म भी कैसे हो गया जेड, यहाँ से जो एग बनेंगे वो कैसे बनेंगे जेड, और दूसरा कौन सा बन जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू। तो ये तो फीमेल के अंदर कंडीशन हो रही है, मेल में कौन सा एग यहाँ पर फ्यूज करेगा उसके ऊपर ही सेक्स डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेक्स का डिटरमिनेशन कौन करने लग रही है, फीमेल करने लग रही है। तो ये थे आपके क्रोमोसोमल थ्योरी जिसमें हमने कुछ एग्जांपल देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टेबल बना के कंपेयर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।